हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस वन की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपना जो टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है विमाएं। और अपने इसके अंदर विमाओं के उपयोग पढ़ रहे हैं, विमाएं जो है उनसे अपने क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर अपने फर्स्ट पढ़ चुके थे, फर्स्ट था किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, ठीक है। और इसके अंदर अपने ये समीकरण देख चुके थे v इक्वल यू प्लस ए टी। देखो, समीकरण की जब सत्यता की जांच की जाती है तो अपने हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक पद की विमा जो है वो हमेशा क्या रहती है, एक समान रहती है। जैसे इसके अंदर अपने दो पद आ रहे हैं दूसरी तरफ, तो इन दोनों पदों की अलग अलग विमाएं जो है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। यानी v की विमा u की विमा के और u की विमा जो a इंटू टी के जो गुणनफल का जो रिजल्ट आएगा उससे जो विमा आएगी उसके बराबर रहेगी, ठीक। यानी प्रत्येक पद की विमा क्या रहती है, इसमें समान रहती है। तो अपने लिख सकते हैं कि प्रत्येक पद की विमा समान रहती है। देखो, ये उपयोग अपने बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप किसी समीकरण को याद करते हो, ठीक है। जैसे गति की तीनों समीकरणों की अपनी बात करें तो गति के तीनों समीकरण एक बार लिख देता हूँ। ये अपने फर्स्ट समीकरण लिख रखी है, दूसरी s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और फिर अपने लिखते हैं v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as, ठीक है। अपने ये तीनों समीकरण लिख दिए। अब क्या होता है कि यदि अपने कहीं कंफ्यूज हो, जैसे आपको फॉर्मूला तो याद हो कि इस प्रकार की एक समीकरण होती है, ये होती है और ये होती है, इनमें किसी एक जगह जाकर के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस जगह पावर कितनी आएगी, या यहाँ पावर कितनी आएगी, यहाँ कितनी आएगी, या आप ये भूल जाते हो कि ए और टी में से किसकी पावर दो आएगी। तो इसका पता हम किससे लगा सकते हैं, इसका पता हम विमा से लगा सकते हैं, क्योंकि विमा प्रत्येक पद की क्या रहनी चाहिए, एक समान रहनी चाहिए। जैसे यहाँ क्या आने वाला है, अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ यू टी या कुछ और आने वाला है, तो आप उसका पता लगा सकते हो किसकी सहायता से, विमा की सहायता से। कैसे लगा सकते हो, जैसे देखो अपने दूसरी समीकरण को लेते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये इस तरफ जो लिखा हुआ है ये अपने पास में दूरी है, तो दूरी की जब अपने विमा लिखने लगेंगे तो ये आएगा एम जीरो एल वन और टी जीरो। यानी विमा सिर्फ कितनी आएगी, L1 आएगी। दूरी लंबाई इसका मात्रक मीटर में आएगा, तो मीटर को अपने एक बार काम में लेंगे तो यहाँ सिर्फ कितना आएगा, L1 आएगा। फिर देखो U इंटू टी, ये किसकी विमा है, S की विमा है। U इंटू टी की यदि विमा देखी जाए, U अपने पास में क्या है, U अपने पास में वेग है, और वेग की विमा अपने क्या लिखते हैं, पहले इसका मात्रक जो लिखते हैं वो मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। फिर देखो ऐसे लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर देखो मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, टी आ रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मात्रक सिर्फ क्या बचेगा, टी बचेगा। तो यहाँ से फिर से जब आप इसकी विमा निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा एम जीरो एल वन और टी जीरो, ठीक है। या यहीं से देख लो विमा वाले को सोल्व करें तो यू, यू का मतलब वेग, और वेग की जब विमा लिखते हैं तो द्रव्यमान उसमें नहीं आता है, लंबाई एक बार आती है, समय आता है पर बाघ के अंदर आता है, ठीक है। ये देखो बाकी और समय का मात्रक आता है, और मल्टीप्लाई में किसका मात्रक आएगा, मल्टीप्लाई में समय का मात्रक आएगा, ठीक। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो टी की पावर जीरो हो जाती है। यहाँ देखो एम जीरो एल वन और टी की पावर जीरो, तो यहाँ सिर्फ क्या बचता है, एल की पावर वन। ये देखो यहाँ भी क्या है, एल की पावर वन है, और यहाँ भी क्या है, एल की पावर वन है। तो दोनों जगह जब अपने देखेंगे तो एल की पावर वन, और इस तरफ भी क्या आ रहा है, एल की पावर वन आ रही है, ठीक है। यानी ये जो पद है इसकी विमा दूसरे पद की विमा के बराबर है। अगर यहाँ पर आप कुछ और लिख देते, जैसे ए लिख देते, या टी की पावर कर देते, यू की पावर कर देते, या कुछ अपने और टर्म इसके अंदर ऐड कर देते, तो ये जो अपने विमा लिख रहे हैं ये दोनों विमाएं जो है वो अलग आ जाती। यानी ये जो अपने विमा निकाली है ये विमा इसके बराबर आनी चाहिए थी, पर अगर यहाँ पर अपने कुछ और लिख देते तो विमा जो है वो बराबर नहीं आती, जिससे अपने को पता चल जाता कि अपनी समीकरण जो है वो क्या है, गलत है। जैसे अपने इस पद की बात करें तो ये पद जो आपने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक बटा दो। देखो विमाओं की
जब अपने सीमा देखेंगे तो उसके अंदर एक सीमा जो है उसकी ये भी आएगी कि बीमा की सहायता से अपने जो नियतांक होते हैं, नियतांकों का अपना अपने जो है वो पता नहीं लगा सकते। यानी आप ये तो पता नहीं लगा पाओगे कि यहाँ 1/2 आएगा, 1/4 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, कितना आएगा, पर आप ये ज़रूर पता लगा सकते हो कि यहाँ a इंटू टी स्क्वेयर आएगा या कुछ और टर्म आने वाली है। तो a इंटू टी स्क्वेयर, a की अगर बात की जाए तो a का मतलब यहाँ पर क्या है, त्वरण है। तो a टी स्क्वेयर, पहले मात्रक देख लेते हैं फिर अपने निकाल लेंगे इसकी बीमा। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वेयर क्या होगा, त्वरण का मात्रक होगा, मल्टीप्लाई में अपने समय सेकंड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और फिर से क्या बचेगा, मीटर बचेगा। ठीक है, विमा की अगर बात करें तो आपको पता है विमा जब अपने लिखते हैं त्वरण की तो m0, तो अपने देख रहे थे कि a इंटू टी स्क्वेयर की जो विमा है वो भी क्या आएगी, इन दोनों विमाओं के बराबर आएगी। तो अपने a की जो विमा लिखते हैं वो क्या आएगी, m0 l1 t माइनस का 2। ये अपने पास में किसकी विमा है, ये अपने पास में a की विमा है। अगर अपने t स्क्वेयर की विमा देखें तो t स्क्वेयर की जो विमा देखेंगे तो t की विमा t की पावर 1 और इसकी अपने क्या कर दें, स्क्वेयर कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m0 l1 और t माइनस का 2 और प्लस का 2, फिर से क्या आ जाएगा, t की पावर 0। ठीक है, तो अपने पास में जो विमा आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी m0 l1 और t की पावर 0। ये देखो m0 l की पावर 1 और t की पावर 0, और ये m की पावर 0 l1 और t की पावर 0। इसका मतलब प्रत्येक पद की विमा फिर से क्या है, बराबर है। ठीक है, ये देखो ये अपने यहाँ से अगर देखें तो u इंटू टी की विमा देखिए, u इंटू टी की विमा देखिए, और ये अपने ए टी स्क्वेयर की देखिए, और इस जगह अपनी जो विमा लिख रखी है ये किसकी है, एस की है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि प्रत्येक पद की विमा जो है वो हमेशा क्या रहती है, एक समान रहती है। अगर अपनी वो समीकरण बिल्कुल सही प्राप्त होती है तो उसकी विमा बराबर आएगी, अगर वो समीकरण अपनी गलत है तो विमा जो है वो गलत आ जाएगी। जैसे आप किसी भी पद को देख सकते हो, जैसे अगर यहाँ पर आप टी की पावर 2 नहीं करते, ठीक है, मान लो आपके याद नहीं रहा कि टी की पावर कितनी आएगी और आपने क्या किया, टी की पावर 2 को नहीं लिखा, तो इस जगह आप लोग देख सकते हो अगर आप टी की पावर 2 नहीं करते तो या फिर टी की पावर माइनस 1 बचती, और फिर ये विमा एक दूसरे के बराबर नहीं आती, मतलब अपनी समीकरण क्या होती, गलत होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समीकरण को गलत लिख देते हो, किसी भी जगह आप समीकरण को यदि गलत लिख देते हो तो विमा की सहायता से आप क्या कर सकते हो, उस समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हो कि समीकरण जो है वो अपनी कितनी सही थी और कितनी गलत थी। ठीक है, तो ये है अपना फर्स्ट पॉइंट, विमा का उपयोग, इसके अंदर अपने समीकरण की सत्यता की जांच करनी। ठीक है, सेकंड जो अपने उपयोग देखेंगे वो देखेंगे एक नई समीकरण जो है उसकी स्थापना करना विमा की सहायता से। ठीक है, देखिए अपने दूसरा उपयोग देख रहे हैं इसका, दो राशियों में या विभिन्न राशियों में संबंध स्थापित करना, विभिन्न राशियों में संबंध स्थापित करना। तो विमाओं की सहायता से आप क्या कर सकते हो, विभिन्न राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हो। जैसे यदि आप लोगों को पता हो कि कोई एक राशि कितनी राशियों पर निर्भर करती है तो आप लोग इस आधार पर क्या बता सकते हो कि उन राशियों के मध्य आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में आप लोग बता सकते हो। जैसे यदि आप लोगों को पता हो, जैसे आपको ये पता हो, जैसे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एफ इक्वल एम ए फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका सूत्र है, बल का सूत्र है, बहुत बार अपने इस फॉर्मूले को देख चुके हैं। इसके अलावा अभिगति की समीकरण लिखिए, दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, अगर प्रारंभिक वेग 0 तो बिल्कुल यही समीकरण किसके इक्वल आ जाती है, 1/2 ए टी स्क्वेयर के बराबर आ जाती है। ठीक है, s की जगह अपने h भी लिख सकते हैं, h मान लो ऊंचाई है, किसी पिंड को यदि अपने गिरा रहे हैं कहीं से तो s इक्वल अपने क्या ले लें, h ले लें, और u बराबर क्या ले लें, 0 ले लें। तो अपने पास में ये समीकरण क्या बन जाती है, ये बन जाती है h बराबर हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यदि अपने को
इनके मध्य संबंध निकालना हो या इनके मध्य संबंध निकालना हो, जैसा अपने सामने लिख रखा है ऐसा फॉर्मूला यदि अपने को प्राप्त करना हो तो अपने किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये तो अपने रिजल्ट है जो अपने प्राप्त करेंगे इसे। जैसे आपको यदि पता हो कि f जो है किस पर डिपेंड करता है, f जो है वो m पर और a पर डिपेंड करता है, आपको बोल दिया कि f जो है m और a पर निर्भर करता है, तो बताइए इनके मध्य आपस में क्या संबंध है। या आपको बोल दिया जाए कि h जो है वो a और t पर निर्भर करता है, तो बताइए ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो जैसे यदि आपको ये बता दिया जाए कि f जो है किस पर निर्भर करता है, m पर करता है और ए पर करता है, तो इसका सूत्र जो है वो व्युत्पन्न कीजिए, किस प्रकार से अपने इसे लिखेंगे। तो यदि इसका सूत्र व्युत्पन्न करने को आपको बोल दिया जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा अपना एफ जो है किसके समानुपाती होगा, अपना एफ जो है वो एम के समानुपाती होगा और मान लिया कितना, एम की पावर एक्स के समानुपाती है। फिर अपने लिखना पड़ेगा कि एफ जो है किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर निर्भर कर रहा है और इसकी पावर y पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। अब ये x का मान, y का मान प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, या एक दो तीन चार कोई भी इसकी जगह संख्या आ सकती है, वो संख्या कितनी आएगी ये अपने को यहाँ से क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब अपने क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे कि f जो है किसके समानुपाती है, m की पावर x के और a की पावर y के, यानी f समानुपाती a की पावर x और एक m की पावर x और a की पावर y। यदि आप समानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगा दोगे, वो मान लिया नियतांक क्या है, अपने पास में k है, तो m की पावर x a की पावर y, ठीक है। ये अपने क्या कर दिया, नियतांक लगा दिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को विमा लिखनी है, आपको लिखना पड़ेगा f की विमा, यानी बल की विमा, ये आएगा m1 l1 t माइनस का 2, किसकी विमा है, ये बल f की विमा है, ठीक है। बल f की विमा कितनी है, f की विमा है m1 l1 t माइनस का 2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को देखना है कि जो द्रव्यमान है m, m की विमा क्या होगी, तो अपने लिखेंगे m की विमा, ठीक है। जो अपने m की विमा लिखेंगे तो ये आएगा m की पावर 1, कितना आएगा, m की पावर 1 आएगा। और अब अपने क्या करेंगे, अब अपने आगे विमा देखेंगे a की, कि a की विमा क्या आएगी, तो यहाँ देखिए a की विमा, a की विमा, तो a की जब अपने विमा लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा l1 t की पावर माइनस का 2, ये किसकी विमा है अपने पास में, ये अपने पास में a की विमा है। तो यहाँ आप देख सकते हो f की विमा m1 l1 t माइनस का 2, m की विमा m की पावर 1 और a की जो विमा है वो कितनी है, l1 और t की पावर माइनस 2, ये अपने पास में इन तीनों राशियों की विमा आ गई। अब तीनों विमीय सूत्रों को उठा करके अपने कहाँ रखना है, इस समीकरण के अंदर रखना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से अपने को रिजल्ट प्राप्त होगा, यदि यहीं पर लिख देता हूँ तो ये आएगा m1 l1 t की पावर माइनस 2, ठीक है, k तो एक नियतांक है। अब अपने को क्या करना है, m की पावर लिखनी है, m की पावर कितनी, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा m की पावर 1, और a की विमा भी लिख दो, कितना आएगा l1 t की पावर माइनस 2। अब देखो इसके ऊपर तो x का आता है और इसके ऊपर y, तो यहाँ लिख दोगे x और y, ठीक है। अब अपने क्या करना है, अब अपने इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और y को भी क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा m1 l1 t की पावर माइनस 2, ठीक है। और यहाँ जो आएगा वो आएगा k m और इसकी पावर x, और यहाँ जो आएगा वो आएगा l की पावर y और t की पावर माइनस 2 y, ठीक है, m की पावर x और t की जो ये वाली जो अपनी विमा लिखी हुई है इसके अंदर l की पावर y और t की पावर माइनस 2 y आएगा, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने दोनों साइड जो है इनकी कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। कंपैरिजन कैसे, जैसे देखो m की पावर यहाँ, यहाँ तो है ही नहीं, m की पावर इस तरफ क्या है, x है, और इस तरफ m की पावर कितनी है, अगर यहाँ लिखूँ तो मैं, अगर यहाँ लिखूँ तो देखो इस तरफ m की पावर x है और दूसरी तरफ m की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो x आने वाला है उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर y की बात करें तो y कहाँ पर लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है, देखो l की पावर y और इस तरफ
एल की पावर कितनी है, एक है, तो वाई का भी मान आपके पास में कितना आने वाला है, एक आने वाला है। देखो वाई का मान आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते थे, माइनस टू वाई बराबर माइनस टू से माइनस टू कैंसिल और वाई का मान एक। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एक्स का मान एक है और वाई का मान भी क्या है, एक है। यदि समीकरण नंबर लगा करके लिखें तो ये आपके पास में समीकरण तीन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ कुछ ये लिखा हुआ था एफ इक्वल के एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई, ठीक है। प्लस माइनस कुछ नहीं था यहाँ पर, आपको बस इतना लिखना था एफ इक्वल के एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई। अपने को क्या करना है, ये एक्स का मान एक और वाई का मान भी एक यहाँ पर रखना है, जिससे अपने पास में एफ का मान कितना आएगा, अपने पास में आएगा एफ इक्वल के एम की पावर एक और ए की पावर भी कितनी, एक, ठीक है। दोनों की पावर एक और एक आ जाएगी, इससे आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो k इक्वल एम ए, और आप सभी जानते हो k का मान एक होता है, f इक्वल एम ए। ये अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर से पूरा टॉपिक एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए अपने को मान लिया इक्वेशन दिया है जिसके अंदर आपको बोला हुआ है कि f जो है m और a पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इसे सिद्ध कीजिए। तो अपने सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि f जो है किसके समानुपाती है, m के, और m की पावर कितने के, x के समानुपाती है। फिर अपने f जो है समानुपाती है किसके, a की पावर y के। फिर अपने दोनों को एक साथ लिखेंगे, f समानुपाती m की पावर x और a की पावर y। इसके बाद में अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे f जो है इक्वल है किसके, ये समानुपाती हटाने के बाद में नियतांक आएगा k, तो k m की पावर x और a की पावर y, ठीक है। यहाँ देखो f की विमा m1 l1 t माइनस का 2 आएगा। फिर m की विमा लिखेंगे, m की विमा कितनी, m1। फिर a की विमा लिखेंगे l1 और t की पावर माइनस 2, ठीक है। फिर अपने इन तीनों की विमा इस समीकरण के अंदर रख देंगे, जैसे ही अंदर रखोगे इसके, ये बनेगा m1 l1 t माइनस का 2 और यहाँ नियतांक k है और इस जगह m की पावर 1 और यहाँ क्या आएगा, x आएगा। फिर देखो आगे, यहाँ क्या आएगा l1 t की पावर माइनस 2 और पावर कितनी आएगी, y आएगी। फिर अपने x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे m1 l1 t माइनस का 2 और किसके इक्वल, k, और यहाँ क्या आएगा m की पावर x और इस तरफ l की पावर y और t की पावर माइनस 2 y आएगा। दोनों साइड से कंपैरिजन करेंगे तो x का मान एक, y का मान भी क्या आएगा, एक आएगा। दोनों मान अपने इस समीकरण नंबर तीन में रख देंगे, ठीक है। समीकरण तीन में रखेंगे तो क्या आएगा, f इक्वल के एम वन ए वन और f इक्वल के एम ए। के का मान हम जानते हैं एक होगा, तो f इक्वल क्या आएगा, एम ए आएगा, ठीक है। यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है आपको, एक तो ये कि जो अपने k लिख रहे हैं, ये k एक नियतांक है, ठीक है। दूसरा, इस k का जो मान है वो मान आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जो समीकरण होती है f m a, ये जो समीकरण होती है इसके अंदर सिर्फ f इक्वल m a आता है, अन्य कोई नियतांक नहीं आता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ये आप लोग विमा की सहायता से नहीं निकाल सकते कि इस नियतांक का मान कितना आएगा, ठीक है। तो ये अपने एक समीकरण की स्थापना करके देखिए, f इक्वल m a, यहाँ से देख सकते हो अपने पास में यही फॉर्मूला होता है f इक्वल m a, ठीक है। पूरा टॉपिक समझ में आया, ये लिखा, उसके बाद में ये लिखा, फिर दोनों को गुणा करके एक साथ लिखा, फिर सारे मान अपने इसके अंदर रख दिए और अपना आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा, अपने इस सूत्र की भी स्थापना करके देख लेते हैं, एच इक्वल हाफ ए टी स्क्वेयर। देखिए कैसे करते हैं, इसी का एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे h इक्वल अपने पास में क्या है, हाफ ए टी स्क्वेयर है, ये फॉर्मूला है। आपको देखो फॉर्मूला दिया हुआ नहीं मिलेगा कि ये फॉर्मूला है, मतलब आपको ऐसा नहीं दिया हुआ मिलेगा, आपको ये दिया हुआ मिलेगा कि h जो है a और t पर निर्भर करता है। h जो है किस पर निर्भर करता है, a और t पर निर्भर करता है। सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जिसके अंदर इन तीनों राशियों के मध्य संबंध हो, तो आपको सिर्फ ये तीनों दिए हुए मिलेंगे। जो लिखा हुआ था h इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, जो आपको पहले से पता होगा। तो देखिए h, a और t, इन तीनों के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि h जो है वो समानुपाती है किसके, a के, और a की पावर कितना, a की पावर x, ठीक है। h समानुपाती है t की पावर y के, और ये समीकरण दोनों को एक साथ लिखो, h जो है
समानुपाती है a की पावर x और t की पावर y के। समानुपाती हटा दो, एक नियतांक लगा दो k, a की पावर x और t की पावर y। ये मान लिया समीकरण तीन है, x इक्वल k a की पावर x और t की पावर y। ठीक है, अब x और y का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, h की विमा यहाँ क्या आएगा, यहाँ m जीरो, l की पावर वन और t की पावर कितनी, जीरो। a की विमा a क्या है, त्वरण है, m जीरो, l वन और t की पावर माइनस टू आएगा। ठीक है, ये जीरो लिखा हुआ है, m जीरो, l वन, t की पावर माइनस टू आएगा। इसके बाद में देखो और क्या बचा है, समय बचा है t की विमा आप सभी को पता है t की पावर वन आएगी। इन तीनों विमाओं को अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर तीन में रख दें, उससे आपके पास में कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। चलो विमा ही लिख देता हूँ, ये आएगा h की विमा m जीरो l वन और t की पावर जीरो। तो ये m जीरो l वन और t की पावर जीरो इक्वल किसके, k के। और फिर अपने क्या आएगा, a की विमा देखो ये रही, m जीरो l की पावर एक और t की पावर माइनस का टू, t की पावर माइनस टू। ये अपने पास में किसकी विमा है, ये अपने पास में a की विमा है। फिर अपने को किसकी विमा देखनी है, समय की विमा देखनी है, समय की विमा कितनी है, t की पावर वन है। इसकी पावर अपने x लिए और इसकी जो पावर अपने y लिए, पावर का ध्यान रखना है, x की a की पावर x लिए और t की पावर y लिए। यदि आगे पीछे कर दोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अगर वो यहाँ नहीं करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत आ जाएगा। फिर तो आपको क्या लिखना है, m0 l1 t की पावर 0 किसकी विमा है, h की विमा है। फिर अपने त्वरण की विमा लिखी, m0 l1 t की पावर माइनस टू और यहाँ क्या लिखा आपने, समय लिखा t1। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर विमा लिखते समय आप लोग थोड़ा सा भी प्लस माइनस आगे पीछे कर दोगे या ध्यान नहीं रहा, आपने एक की जगह दो लिख दिया, दो की जगह एक लिख दिया या जीरो कहीं आगे पीछे कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत हो जाएगा। और विमा मैंने पहले ही बताया कि अगर आप थोड़ी सी भी टर्म लिखते हो तो वो पूरी विमा आपने गलत मानी जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये लिखना है m0 l1 t की पावर 0 और k, इस तरफ देखो m की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा और यहाँ क्या आएगा, x आएगा और 2 की पावर माइनस 2x आएगा, और इस तरफ देखोगे तो t की पावर कितनी आएगी, y आएगी। ठीक है, यहाँ आपने क्या किया है, t की पावर माइनस 2x और यहाँ आपने क्या किया है, t की पावर y किया। दोनों साइड की कंपैरिजन करें, m इस साइड भी 0 है, दूसरी साइड भी क्या है, 0 है। ठीक है, तो m की पावर 0 है तो x y का मान अपने ज्ञात होगा नहीं। फिर अपने l को देखें, l इस जगह है तो x की पावर 1, यहाँ देखो इस तरफ l की पावर x है और दूसरी तरफ l की पावर 1 है, तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरी तरफ अगर अपने देखें तो t की पावर, ये आपस में जुड़ जाएगी दोनों, गुणा में टर्म माइनस 2x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है, इस साइड अगर आप लोग देखोगे तो ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसे आगे ले जाओ, यानी 2x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपको तो y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करेंगे तो 2x आएगा और x का मान रखोगे तो 1 आएगा, यानी y का मान कितना आया, 2 आया। तो ये आपके पास में x का मान है, अगर समीकरण नंबर लगाएं तो ये 4 लगा देता हूँ और ये मैं समीकरण 5 लगा देता हूँ। ठीक है, ये 3 होगी, ये 4 होगी और ये 5 होगी। तो x का मान अपने पास में 1 है जो अपने सीधा निकल गया था यहाँ से, और y का मान जब अपने ज्ञात किया था माइनस का 2x प्लस y और किसके इक्वल, 0 के इक्वल, या अपने 2x को आगे ले गए तो 2x बराबर y, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, या माइनस 2x रखते और y को आगे ले जाते, माइनस आ जाता और कैंसिल होकर के फिर से 2x बराबर y आ जाता। y इक्वल क्या आएगा, y इक्वल 2 गुणा x और x का मान 1 है तो 2 गुणा 1 किसके इक्वल, 2 के इक्वल। अब देखो x का मान आपके पास में 1 है और y का मान आपके पास में 2 है, और समीकरण नंबर 3 में ये मान अगर आप लोग रख देते ये आता एच इक्वल के ए की पावर x और x का मान कितना, 1 है, और t की पावर कितनी, y, और y का मान 2 है, यानी h इक्वल ए टी स्क्वेयर। विमा की सहायता से बस आपको इतना पता चलेगा। अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि इस प्रकार के जो समीकरण लिखते हैं वहाँ k का मान कितना लिखा जाता है, 1/2 लिखा जाता है, यानी हाफ इक्वल 1/2 ए टी स्क्वेयर। ठीक है, जो गति के समीकरण लिख रहे थे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, उसका जो लास्ट पद था
हाफ ए टी स्क्वेयर वाला वो किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। प्रत्येक पद की विमा क्या रहती है, एक समान रहती है, तो एच इक्वल हाफ ए टी स्क्वेयर। बात समझ में आई। अब देखो आप पूरी समीकरण एक साथ व्युत्पन्न नहीं कर सकते, आप ऐसा तो नहीं कर सकते विमा से कि आप लोग यही सिद्ध कर देते ये एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ऐसा तो आप विमा की सहायता से नहीं कर सकते कि आप पूरी समीकरण को क्या कर दो, एक साथ व्युत्पन्न कर दो। हाँ ये आप जरूर कर सकते हो कि आपने ये संबंध देख लिया कि ये एस या एच जो है इसके साथ में किस प्रकार से जुड़ा है, ये आप अलग से देख सकते हो कि एस जो है वो किसके इक्वल है, यू टी के इक्वल है। फिर आपको समीकरण के बारे में पता होना जरूरी है कि इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये अपने विमा की सहायता से क्या किया है, एच में एम ए और टी में संबंध व्युत्पन्न किया है, तो एच इक्वल क्या आ गया, हाफ ए टी स्क्वेयर आ गया। तो ये अपने एक सूत्र व्युत्पन्न किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सूत्र हैं, अगर आपके विमा आपको विमा के बारे में पता हो उनका, तो आप उनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हो। जैसे आपको कोई मान दे दिया जाए कि आपको दे दिया जाए पी जो है पी दाब, जैसे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल लिखते हैं, अगर आपको फॉर्मूले का नहीं पता है या आप कन्फ्यूज़ हो कि कौन सी पावर कहाँ आएगी, तो विमा की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे ये तो मैंने ये मान करके सॉल्व किया है कि एच जो है इसके इक्वल अपने क्या सिद्ध करने वाले थे, हाफ ए टी स्क्वेयर करने वाले थे। आप एक को यदि इस साइड रखो और बाकी टर्म को दूसरी साइड भेजो, तो ऐसा सूत्र भी आप लोग व्युत्पन्न कर सकते थे, यानी एक ही पावर जो है ए जो है वो इन पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, उसका मान भी आप लोग ज्ञात कर सकते थे। तो ये अपने विमा का दूसरा उपयोग था कि विमा की सहायता से विभिन्न राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, विमा का अगला अगर अपने उपयोग देखें तो देखो विमा का तीसरा जो उपयोग अपने आता है वो आता है विमा की सहायता से मात्रकों की पद्धतियाँ बदलना, यानी एक पद्धति का मान दूसरी पद्धति में ज्ञात करना, या विमा की सहायता से एक राशि एक पद्धति के अंदर आपको मान पता है उसे दूसरी पद्धति में यदि आपको बदलाओ तो किस प्रकार से आप लोग उसे बदल सकते हो। जैसे अगला उपयोग है मात्रकों की पद्धतियों में संख्यात्मक मान ज्ञात करना। या आप ये बोल सकते हो कि विभिन्न मात्रकों की पद्धतियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, यानी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, मात्रक को एक या लिख देता हूँ एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना। तो मात्रकों की सहायता से आप क्या कर सकते हो, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हो। यानी एक पद्धति में आपके पास में क्या होगा, कोई एक संख्यात्मक मान होगा, उस मान को आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरी पद्धति के अंदर भी बदल सकते हो। जैसे आपके पास में कोई एक भौतिक राशि है, आपके पास में क्या है, कोई एक भौतिक राशि है और उसका नाम मान लिया क्या है, क्यू है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि इस क्यू को आपको प्रदर्शित करना हो तो आप किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे, आप लोग लिखोगे क्यू इक्वल एन यू, यहाँ एन जो है ये इसका संख्यात्मक मान हो जाएगा और ये यू जो है इसकी इकाई हो जाएगी, और इसका मान हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। यानी Q इक्वल एन यू जो है इसका मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर अपने ये कॉन्स्टेंट रहता है तो इसका मतलब हो गया N जो है U के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मात्रक की पद्धति आप बड़ी ले रहे हो तो मान छोटा आएगा, संख्यात्मक मान जो है वो छोटा आएगा। अगर मात्रक की पद्धति आप लोग क्या कर रहे हो, छोटी ले रहे हो, तो संख्यात्मक मान जो है वो बड़ा आ जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि अपने एक तो लिखते हैं एक मीटर, फिर उसे सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो अपने जब सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर लिखते हैं तो अपनी पद्धति तो छोटी हो जाती है पर जो संख्यात्मक मान है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अपने क्या कर सकते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। देखो कैसे बदलेंगे, मान लिया ये जो भौतिक राशि है इसकी विमा क्या है, इसकी विमा आपके पास में ए बी और सी है, और किसी एक पद्धति के अंदर जब आप लोग इसे लिखोगे तो आप लोग लिखोगे एम वन इसकी पावर ए और फिर एल वन इसकी पावर बी, फिर आप लोग लिखोगे टी वन इसकी पावर सी, और इस पद्धति के अंदर इसका जो संख्यात्मक मान है वो कितना है, एन वन है। दूसरी में
ये m2, ये l2 और ये t2, और विमा तो सेम रहती है चाहे कोई पद्धति अपने लिए। एक भौतिक राशि की विमा जब आप लोग लिखोगे वो क्या रहेगी, x मान रहेगी। और इस पत्ती में इसका संख्यात्मक मान क्या है, n2 है, और इसमें कितना है, n1 है। तो ये जो अपने शुरुआत में पढ़ा था कि n इंटू यू, ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। यदि ये कॉन्स्टेंट रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जो लिखा है एन वन यू वन, ये यू वन मान लेते हैं और ये यू टू मान लेते हैं, तो एन वन यू वन बराबर रहेगा किसके, एन टू और यू टू के। यानी एन वन यू वन किसके बराबर रहेगा, एन वन यू वन जो अपना एन टू और यू टू के बराबर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ये लिख सकते हो, आप लोग जो है कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, इसे एन वन एम वन एल वन और टी वन, और किसके बराबर, एन टू एम टू एल टू और टी टू, इसके बराबर। ठीक है, इसका मतलब एन टू किसके इक्वल, एन टू जो है वो एन वन और एम वन ए एल टू बी और एल वन ही आएगा टी वन सी और अपोन में एम टू ए एल टू बी और टी टू सी। कुछ नहीं किया है यहाँ से, मैंने पक्षांतरण किया है, इसे इसके भाग में भेज दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार का मान आपके पास में बन जाएगा, एन टू इक्वल एन वन और एम वन बटा एम टू, एल वन बटा एल टू और बी और टी वन बटा टी टू और सी। ठीक है, ये आपके पास में मान बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, एन टू का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, एन टू का मान यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ये एम वन एम टू एल वन एल टू टी वन टी टू, ये आपके पास में मान आ जाएंगे। ए बी और सी जो है ये क्या है, उस भौतिक राशि की विमाएँ हैं। यानी जो आपने भौतिक राशि क्यू ले रखी है इसकी अगर आप लोग विमा लिखो तो विमीय जो मान आएगा ए बी और सी आ जाएगी। यानी जो आपके पास में विमा आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी एम एल टी और ए बी और सी, ये आपके पास में क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। ठीक है, अगर अपने कोई एक एग्जाम्पल लें इसका, जैसे आपको पता है कि एक न्यूटन की अगर बात की जाए तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, सबको पता है। पर अगर आपको बोल दिया जाए कि सिद्ध कीजिए विमा की सहायता से कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यानी आपको क्या बोल दिया कि सिद्ध कीजिए एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, आपको ज्ञात करना है कि यहाँ जो मान लिखा होगा वो मान कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लोग क्या देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो ये एन वन है, ये U1 है और ये N2 है और ये आपके पास में U2 है। ये पास आपके पास में N1, U1, N2 और U2 है। तो U1, U2 तो आपके पास में मात्रक हो गए, N1 और N2 आपके पास में संख्यात्मक मान है। N1 का मान तो सीधा सीधा एक है और N2 का मान आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग ये फॉर्मूला लिखोगे। जैसे मान लिया मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, ठीक है, फिर आप लोग कंपैरिजन अगर कर लेते हो तो n1 का मान तो एक है और n2 का मान आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो राशि लिखी गई है वो क्या है, आपके पास में बल है। यानी ये न्यूटन लिखा गया है और न्यूटन का मतलब आपने क्या लिखा है, बल लिखा है। और जो बल भौतिक राशि है इसकी अगर विमा की बात की जाए तो आप सभी को पता है इसकी विमा आपने लिखते हैं एम वन एल वन और टी की पावर माइनस टू, M1, L1 और T की पावर माइनस टू, ये अपने पास में क्या है, इसका विमीय सूत्र है। अगर अपने कंपैरिजन करें इन दोनों सूत्रों की, इसे कोई समीकरण नंबर अगर मैं लगाऊं तो मान लिया ये समीकरण नंबर अपनी एक्स वाई, चलो एक लगा देता हूं, ठीक है, और किसी को नहीं लगाया, तो ये अपने पास में क्या है, समीकरण एक है। अगर समीकरण एक की पावर देखें अपने ए बी और सी है, तो यहाँ से अगर अपने देखें तो उन ए बी सी का अगर मान देखोगे तो ए का मान तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ए का मान तो एक आ जाएगा, बी का मान फिर से एक आ जाएगा और सी का मान अगर आप लोग देखोगे माइनस का टू आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी और सी, यानी एम का मान, एम की पावर जो है ए उसका मान एक, एल की पावर बी का मान एक और टी की पावर माइनस दो है, यानी सी का मान माइनस दो है। ये जो विमा लिखे ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ से बिल्कुल यही सूत्र लिखा हुआ है, भौतिक राशि की जगह बल आ गया और एम ए एल बी टी सी इसकी जगह एम वन एल वन टी माइनस का टू, यानी ए बी और सी, ये ए बी और सी है, ये एक एक और माइनस दो किसके मान है, ए बी और सी के मान है। अब अपने इसे कहाँ रखना है,
इस सूत्र के अंदर रखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एन टू, एन का एन वन का मान तो कितना आ जाता है, एक आ जाता है। एक बार के लिए लिख देता हूँ मैं इसे। अब देखो अपने वाक्य के अंदर क्या लिखा हुआ है, एम टू एल टू टी टू, जो दूसरी वाली पद्धति है उसके मान आएंगे ये एम टू एल टू और टी टू। तो दूसरी अपनी जो पद्धति है जिसके अंदर अपने एन टू ज्ञात कर रहे हैं, वो अपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डाइन लिखा हुआ है। डाइन की अगर बात की जाए तो बल का सीजीएस पत्ति में अगर अपने मात्रक देखें तो वो क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, अब सीजीएस पत्ति का अगर ये मात्रक है तो सीधी सी बात है कि इसमें सेंटीमीटर आने वाला है, इसमें ग्राम आने वाला है और सेकंड तो सब में कॉमन है। तो यहाँ एक बार के लिए सीधा लिख देता हूँ, कुछ इस प्रकार से टर्म आएगी। ठीक है, यहाँ भी सेकंड आएगा और इस जगह भी क्या आएगा, सेकंड आएगा। अब अपने इसे देखें तो आप लोग देख सकते हो कि ऊपर वाली जो टर्म है यहाँ एम वन एल वन और टी वन आएगा। तो एम वन का जब अपने मान देखेंगे तो एम वन का मान कौन सी पद्धति में आएगा, इस पद्धति में आएगा। और ये पद्धति किस में, अपने न्यूटन लिखा हुआ है तो ये अपनी जो पद्धति है वो एम के एस पद्धति या एस आई पद्धति आप बोल सकते हो। तो यहाँ आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ आप लोग लिखोगे के जी।